देखो। यस प्लीज। पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा जारी है। गुरुवार को हंगामे के बीच लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मुझे बिहारी गुंडा कहा। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं झारखंड से आता हूं और 13 साल मुझे सदन में हो गए हैं, लेकिन टीएमसी सांसद ने कल यानी 28 जुलाई को मुझे बिहारी गुंडा कहा। उन्होंने कहा कि बिहार झारखंड यूपी के लोग गुंडे नहीं होते, यह विभाजनकारी राजनीति है। शिक्षा से लेकर सांस्कृतिक ज्ञान तक बिहार का योगदान उल्लेखनीय है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। देखिए, उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। आपको पता है सबों को कि मैं तीसरी बार सांसद जो है झारखंड से हूँ। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है, इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। तो बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है, और तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया है। आज भी इस देश को चलाने में, इस राज्य को चलाने में हमारा बड़ा योगदान है। आज भी यदि रेलवे चलता है तो आपको आश्चर्य होगा कि 40-45% पैसा केवल और केवल बिहार और झारखंड देता है। इसके बावजूद भी हम गाली सुनते हैं, तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। बुधवार को निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि आईटी से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक में महुआ मोइत्रा ने उन्हें बिहारी गुंडा कहा। इसी मामले का जिक्र आज उन्होंने सदन में किया। ट्विटर पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को टैग करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि ममता जी, आपकी सांसद महुआ मोइत्रा की इस गाली ने उत्तर भारतीय व खासकर हिंदी भाषी लोगों के प्रति आपकी पार्टी की नफरत को देश के सामने उजागर किया है। उन्होंने कहा, संसदीय जीवन में पहली बार उन्होंने किसी महिला सदस्य को गाली गलौज करते देखा है। महुआ मोइत्रा ने भी निशिकांत दुबे के इन आरोपों का जवाब दिया। महुआ ने कहा कि उन्हें इन आरोपों पर हंसी आ रही है। जब आईटी से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक में दुबे मौजूद ही नहीं थे तो उन्हें कुछ कहने का सवाल ही नहीं उठता। इस मामले पर आईटी से जुड़ी संसदीय समिति के प्रमुख शशि थरूर ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। थरूर के मुताबिक कोरम नहीं होने की वजह से सदस्यों की मीटिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए कुछ भी कहना नामुमकिन है। बहरहाल इस मामले में अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मसले पर कहा कि अगर किसी ने ऐसा कहा है तो यह बेहद दुखद है। तेजस्वी ने कहा, इस प्रकार की बात कहने से बचा जाना चाहिए। वहीं बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे को गुंडा कहकर बिहारियों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ बिहारी रहते हैं। ममता बनर्जी को बिहार के लोगों से इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाल की गुंडागर्दी आपको ही मुबारक हो। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।